हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैटर्न्स को। और अभी आपको जो ये पैटर्न दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जो पैटर्न है बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। और अभी तक जो हम लोगों ने पैटर्न्स किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें दो एलिमेंट्स मैक्सिमम होते थे, लेकिन यहाँ पे तीन एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम सेग्रीगेट करना चाहें और रेफरेंस लाइन इसको माने, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ट्रायंगल मेरा ये होगा एंड दूसरा ट्रायंगल मेरा, और तीसरा एलिमेंट अगर हम मानेंगे तो वो स्पेसेस को मानेंगे। तो इसको कंसिडर करते हुए हम इसको ड्रॉ करेंगे एक बार फिर से। जब हम इस पैटर्न को एनालाइज अगर करें, तो फर्स्ट लाइन में वन प्रिंट होता है, सेकंड लाइन में टू और थ्री प्रिंट होता है, देन उसके बाद टू प्रिंट होता है, थर्ड लाइन में थ्री फोर फाइव प्रिंट होता है, एंड देन उसके बाद फोर थ्री प्रिंट होता है, एंड देन इसके बाद जो फोर्थ लाइन है उसमें फोर फाइव सिक्स और सेवन प्रिंटिंग हो रहा है, और इसके बाद ये नंबर से रिड्यूसिंग होता है, सिक्स बाई फोर इस तरह से हम प्रिंटिंग। तो इसको इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हम सबसे पहले इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में फिर से एक बार कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा ये रेफरेंस लाइन है, और इस रेफरेंस लाइन के हिसाब से ही हम सारी प्रिंटिंग्स करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें थ्री स्पेसेस हैं, देन वन प्रिंट हो रहा है, सेकंड लाइन में टू स्पेसेस है, देन टू प्रिंट हो रहा है, थर्ड लाइन में एक स्पेस है, देन थ्री स्टार्ट हो रहा है प्रिंटिंग, और फोर्थ लाइन में कोई भी स्पेसेस नहीं है हमारे रेफरेंस लाइन के करीब। तो यही कंसिडर करते हुए और मानते हुए कि इसमें तीन एलिमेंट्स हैं हर एक लाइन में, तो एक तो हमारा लूप होगा जो नंबर ऑफ लाइन्स के लिए, ये हमारा आउटर लूप होगा। आउटर लूप के अंदर जो पहला लूप होगा वो स्पेसेस के लिए होगा, दूसरा जो लूप होगा वो हमारा फॉरवर्ड प्रिंटिंग के लिए होगा, फॉरवर्ड प्रिंटिंग। और इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी वो बैकवर्ड प्रिंटिंग के लिए। आउटर लूप के अंदर तीन लूप्स लगेंगे, एक स्पेसेस के लिए, एक फॉरवर्ड प्रिंटिंग के लिए और एक बैकवर्ड प्रिंटिंग के लिए। जो फॉरवर्ड प्रिंटिंग है उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड प्रिंटिंग में हर एक प्रिंटिंग जो है वो लाइन नंबर से स्टार्ट हो रही है, और फिर वो बढ़ते हुए क्रम में उतने ही नंबर्स उसमें प्रिंट हो रहे हैं जो कि नंबर ऑफ लाइन में आ रहे हैं। जैसे थर्ड लाइन में तीन एलिमेंट्स, सेकेंड लाइन में टू एलिमेंट्स, और फर्स्ट लाइन में केवल एक एलिमेंट। जो सेकेंड लाइन है या जो सॉरी ये जो बैकवर्ड प्रिंटिंग है, उस बैकवर्ड प्रिंटिंग की अगर हम एनालिसिस करें तो ये स्टार्ट हो रहा है मेरा, इसको मान सकते हैं कि ये टू फोर सिक्स ऐसे स्टार्ट हो रहा है। अगर ये फर्स्ट लाइन है तो टू से स्टार्ट, सेकंड लाइन टू से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड लाइन है तो फोर से स्टार्ट हो रहा है, और जो फोर्थ लाइन है वो सिक्स से स्टार्ट हो रहा है, और पहली लाइन में ये प्रिंटिंग हो ही नहीं रही है बैकवर्ड हो रही है। तो इसके लिए दो तरह की एनालिसिस हम कर पाएंगे, जैसे कि जो सेकेंड लाइन है अगर लाइन नंबर हम माने आई है और आई की वैल्यू टू है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये आई माइनस वन मल्टीप्लाइड विद टू इस नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम थर्ड लाइन की बात करें तो थर्ड लाइन में आई की वैल्यू थ्री होगी, इस केस में ये वैल्यू होगी थ्री माइनस वन इंटू टू, मतलब ये फोर होगा, इसका मतलब पहला नंबर फोर होगा जो कि ये वेरीफाई होता है। इसी तरह से जो फोर्थ लाइन है उसके लिए फोर माइनस वन मल्टीप्लाइड विद टू, मतलब ये थ्री इंटू टू सिक्स से स्टार्ट हो रहा है। घटते हुए क्रम में प्रिंटिंग हो रही है नंबर्स की, लेकिन घटते हुए क्रम में जो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं वो लाइन नंबर से एक कम प्रिंट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइन नंबर वन है तो जीरो टाइम प्रिंटिंग हो रही है, लाइन नंबर टू है तो वन टाइम प्रिंटिंग हो रही है, लाइन नंबर थ्री है तो टू टाइम्स प्रिंटिंग हो रही है, लाइन नंबर अगर फोर है तो थ्री टाइम्स प्रिंटिंग हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आइए हम इसको कोड करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक छोटा सा प्रोग्राम हम बना रहे हैं, और इस प्रोग्राम में आउटर लूप हमारा जुड़ा हुआ है। आउटर लूप के अंदर हम सबसे पहले स्पेसेस को प्रिंट करेंगे, और टोटल एन माइनस वन स्पेसेस होंगे। इसके बाद हम फॉरवर्ड प्रिंटिंग करेंगे। तो फॉरवर्ड प्रिंटिंग के लिए अभी भी हम लोगों ने देखा कि जो प्रिंटिंग हो रही है वो एक नंबर की हो रही है, और वो जो प्रिंटिंग हो रही है वो लाइन नंबर से हमारी स्टार्ट हो रही है। लाइन नंबर हमारा आई है, और वहाँ से स्टार्ट करके जो प्रिंटिंग हो रही है वो लाइन नंबर के इक्वल ही हमारी प्रिंट हो रही है। सो हमने यहाँ पे कहा है कि k इक्वल टू वन एंड k लेस देन और इक्वल टू
और जो प्रिंटिंग हमारी है वो हमें करानी है, स्टार्ट करनी है लाइन नंबर से और बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी हमें प्रिंटिंग करानी है, वो एम है, और एम को हम इनिशलाइज कर देते हैं रो नंबर से और फिर एम को प्रिंट कर देते हैं, और एम को प्रिंट करने के बाद एम को इंक्रीमेंट करते हैं। फाइन, एक बार फिर से देखते हैं, इसको हमने इनिशलाइज किया है रो नंबर से और प्रिंटिंग मतलब रो नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद प्रिंटिंग कर रहे हैं नंबर्स की बढ़ते हुए क्रम में, और टोटल उतनी बार प्रिंट करेंगे जितने जितने हमारी लाइन नंबर है। तो अगर आई हमारा लाइन नंबर है उसकी प्रिंटिंग हम आई टाइम्स करेंगे। इसके बाद बैकवर्ड प्रिंटिंग है, बैकवर्ड प्रिंटिंग को करने के लिए ऑब्वियसली हम लूप में प्रिंटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं एक्स जिसको हम इनिशलाइज कर लेते हैं जिसकी हम प्रिंटिंग करेंगे, और ये जो इनिशियलाइजेशन होगा वो होगा रो नंबर -1 मल्टीप्लाइड विथ 2। ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, अब घटते हुए क्रम में हम इसकी प्रिंटिंग करेंगे। तो फॉर लेट्स से इंटीजर एल इज इक्वल्स टू 1 एंड एल लेस देन और इक्वल टू जो भी हमारा लाइन नंबर है उससे 1 कम प्रिंट हो रहा है एंड एल प्लस प्लस। इस तरह से हमने नंबर ऑफ टाइम्स डिसाइड के लिए क्या प्रिंट होगा, अब हम क्या प्रिंटिंग होगी, एक्स की प्रिंटिंग होगी, और एक्स की प्रिंटिंग करने के तुरंत बाद हम एक्स को 1 डिक्रीमेंट करते हैं। तो यही हमने डिसाइड किया था अभी जो रन करते समय। इसकी प्रिंटिंग के बाद क्या करेंगे कि न्यू लाइन में आ जाएंगे, इसलिए हमने सी आउट एंडल लगा दिया। अगर आप सी में कोडिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रिंटर स्लैश लगा दीजिए। तो फिर से हम एक बार तीनों एलिमेंट्स डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्पेसेस को प्रिंट किया है, स्पेसेस को प्रिंट करने के बाद हमने एक नंबर लिया है उसको इनिशियलाइज किया है, ये नंबर लाइन नंबर के इक्वल है और इसी नंबर को हम प्रिंट करेंगे लाइन नंबर टाइम्स लेकिन इंक्रीमेंट करते करते। फिर इसके बाद थर्ड लाइन थर्ड जो एलिमेंट मेरा है उसके लिए हमें हमने एक नंबर इनिशियलाइज कर लिया है जो कि i-1 मल्टीप्लाइड विथ 2 है, ये वेरिएबल एक्स है, इसकी प्रिंटिंग करेंगे और इसकी प्रिंटिंग लाइन नंबर -1 टाइम्स। प्रिंटिंग करने के बाद इस नंबर को हम 1 से रिड्यूस कर देंगे और फाइनली हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। रन करके देखते हैं इसको, मान लीजिए कि हमने 4 लाइंस के लिए प्रिंटिंग की है, तो आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और बड़े नंबर्स के लिए अगर हम चेक करें, लेट्स से हम इसको 5 के लिए प्रिंट करते हैं, दिस इज वर्किंग फाइन फॉर 5 एज़ वेल। तो ये जो पैटर्न है वो हमने वेरीफाई कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल कम विथ मोर पैटर्न्स इन द फर्दर लेक्चर्स।